अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। समझ में नहीं आ रहा किसका विश्वास करूं किसका ना करूं। अगर जया के बच्चे सचमुच परेशान हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चंचल या आंचल? तुम थक गए होगे, अब सो जा। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी फैक्ट्री आके आपकी मदद किया करूंगा, और मैं घर जल्दी आने की कोशिश किया करूंगा ताकि तुम सबके साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊं। चलो बेटा, गुड नाइट, जाके सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। इतनी रात को कौन हो सकता है? सिद्धार्थ जी, आज वो बच्चा आंचल को माँ कहकर बुला रहा है, कल अगर सिद्धार्थ को भी आंचल से लगाव हो गया तो। एक्चुअली मामी जी, मैं भी बिल्कुल मामा जी जैसा इंसान ही ढूंढ रही हूँ। क्या आप चाहती हैं कि आंचल की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसकी पहली बीवी मर चुकी है? सिद्धार्थ जी, इतनी रात को क्यों फोन किया उन्होंने? पता नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। हेलो टीचर माँ, मैं बोल रहा हूँ। बदमाश, इतनी रात को किसलिए फोन किया? सचिन है। मुझे एक सपना आया था कि हम परियों के देश में थे, आप और मैं चलते चलते उड़ने लगे और मेरी आँख खुल गई। मैंने पापा की जेब से मोबाइल निकाला और यहाँ आकर फोन किया। कहाँ? हॉल में। कहाँ?
अच्छा चलो ठीक है, अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर सो जाओ। नहीं, आप मुझे परियों की कहानी सुनाओ इस टाइम। मम्मा मुझे हर रोज रात को कहानी सुनाती थी, मैं सो जाता था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोटी सी प्यारी सी परी की कहानी सुनाऊंगी, फिर तो जाकर सो जाओगे ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक बार की बात थी, फिर क्या बताऊं, वो राजकुमार कभी मुस्कुराता ही नहीं था, कोई डॉक्टर कोई जादूगर उसे हंसा नहीं पाया। फिर हाँ, फिर एक परी आई और उस राजकुमार से मिली। परी कहाँ से आई? परियों के देश से। और फिर राजकुमार अपनी महल से बाहर आया। इतनी रात को किससे बात कर रहा है? राजकुमार जी, जब आप मुस्कुराते हैं ना, तब आप बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, देखा, मुस्कुरा दिए ना। अब बोलो, शादी करोगे मुझसे? बोलो बोलो, शादी करोगे मुझसे? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।